भाइयों और बहनों, अर्धकुंभ सिर्फ करोड़ों लोगों के एकजुट होने का ही पर्व नहीं है। यहां आने वाले करोड़ों लोगों के जरिए पूरा देश, उसमें आने वाले करोड़ों लोगों के बीच होने वाला संपर्क और संवाद हमारे देश को दिशा देता है। कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों के साथ ही करोड़ों विचारों का प्रवाह भी भारत को समृद्ध और सशक्त बनाता है। कुंभ का पर्व भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये पर्व भाषा, भूषा और भिन्नता को खत्म कर एक होने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमें जोड़ता है। ये पर्व गांव और शहर को एक करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सही तस्वीर यहां दिखती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि यहां आने वाले हर अतिथि का हम खुद ध्यान रखें। ये आयोजन सिर्फ श्रद्धा नहीं, देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि भारत की एक नई तस्वीर, उसे लेकर के दुनिया यहां से वापस जाए। इस दौरान दुनिया भर के हजारों छात्र यहां की मैनेजमेंट के बारे में सीखने पढ़ने भी आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी इस आयोजन की विशालता, विविधता और सफलता पर बच्चों को मैनेजमेंट के गुर सिखाती रही है। साथियों, भारत की पहचान हमारी सांस्कृतिक विरासत से है, ज्ञान के भंडार से है। इसी शक्ति से दुनिया को परिचित करवाने के लिए स्वामी विवेकानंद समेत तमाम महर्षियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बीते साढ़े चार वर्षों से केंद्र सरकार भी ये निरंतर प्रयास कर रही है कि संसाधनों के साथ साथ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी प्रभाव बढ़े।